अजय सर, मैं सच कह रहा हूँ कि भाई पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए ये ताम झाम पूरा मैं करके आया, वरना मैं ऐसे नॉर्मल चल के आता। अच्छा, आता से याद आया, आता माजी सटकली। सुनिए, पहले ये हेडफोन उतारिए जो आपने लगाए हुए हैं। इसमें हेयर है, इसमें हेयर स्टाइल। अरे यार शर्मा, वकील साहब आया, कोई यार कुर्सी कुर्सी तो मंगा दो जरा। अरे बैठो बैठो बैठो, आप वकील साहब आइए। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ, पेट उतार के रख दो, थकना जाना। मैं चाहता यही था, मैं तो बस खाली हिचकिचा रहा था थोड़ा। यू आर एन आउटस्टैंडिंग पर्सन यार, कीप स्टैंडिंग। वैसे मैं अपना तारुफ करा देता हूँ, माई सेल्फ दामोदर जेठ मलानी, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ सर। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपका नाम तो दामोदर मलानी नहीं है? नहीं, दामोदर मलानी नाम है मेरा, जेठ मैंने बीच में घुसेड़ा है। सर मुझे क्या रियलाइज हुआ यहाँ पे, मैं सर आपको बताता हूँ, ये सामने की जो कुर्सी है ना, यहाँ पे तीन धाम वाले ही टिकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, अर्चना पुरन सिंह। सर दो नाम वाले बेचारे यहाँ स्टेज पे मजदूरी करते हैं, कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक, और एक नाम वाले को तो कोई पूछता ही नहीं, चंदू। वेल सर, लेट मी गिव यू माई विजिटिंग कार्ड, इट्स हियर इन माई पॉकेट। Yeah, you can have, sir, my card. Sir, that's my card. इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई कांड करेंगे आप, संभालेंगे हम। सर आपका कोई भी केस होगा बताइएगा, मैं पहली सांस तक लड़ूंगा। पहली सांस? पहली सांस तक? नहीं, मैं उसके बाद मैं हार जाता हूँ ना। भाई ये झूठ बोल रहा है, कोई वकील नहीं है ये, काला कपड़ा पड़ा था इनके घर पे, थोड़ा सफेद ही पड़ा था। ये शर्मा, ये गलत बात है यार, ऐसी बात नहीं है, घर पे मेरा सफेद कपड़ा भी था, मैं चाहता तो अब्बास का मस्तान भी बन सकता था। लेकिन क्या है कि मुझे लॉ में चिल्दस्पी है। क्या है? चिल्दस्पी, दिलचस्पी। हाँ वो भी है। आपने अपनी ये जो फिल्म है, ये आपने अपनी जो, चलिए तो आपकी ये जो फिल्म है, ये आपने OTT पे बेची, अगर आप मुझसे एडवाइस देते, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लीगल सल्टेंटेंट। क्या? आई एम ए लीगल सल्टेंटेंट। कंसल्टेंट। यार तुम्हें दिखाई दे रहा है आदमी से नहीं बोला जा रहा है तो क्यों गुस्से हो? समझ जाओ ना बात को। अब आपकी जुबान अगर इतनी साफ है माई डियर, तो मुझे कह के दिखाओ, कच्चा चाकर पक्का काचड़। अरे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ होता है। सल्टेंटेंट नहीं कहा जा रहा, ये कहाँ से कहूंगा यार। If you don't mind, एक बात मैं डिस्कस करना चाहता अजय सर, मैंने रियलाइज किया आप काफी उल्टा चलते हैं, मतलब आपकी फिल्म आई शिवाय, उसमें आपने हिमालय पे एक गोरी लड़की पटाई, फिर दृश्यम में आप गोवा में सत्संग में गए हुए थे, यानी कि जो काम गोवा में करना है वो आप हिमालय पे कर रहे थे, जो हिमालय में करना है वो गोवा में। तो वो करते हैं तो उनको करने दो, आप जाओ अपना काम करो। मैं ऐसे कैसे चला जाऊं यार, नूरा जी भी आई है, बात तो करूंगा ना। नूरा जी, आई जस्ट वॉन्टेड टू से माई नेम इज दामोदर, इट इज, यू कैन कॉल मी दामू। वो आपको दामू क्यों बुलाएंगी? डायरेक्ट अभी बुलाएंगी अच्छा नहीं लगेगा यार, एक प्रोसेस होता है। अभी दामू बुलाएंगी, फिर जानू बुलाएंगी, फिर सोना बुलाएंगी, जानू, फिर मेरे बाबू ने ताना ताया बुलाएंगे। इट्स अ प्रोसेस, वन हैज टू फॉलो। लाइक एमी जी हैं, इन्होंने पंजाबी गाने गाए, फिर पंजाबी फिल्में की, फिर अपना हिंदी का म्यूजिक वीडियो किया, तब जाके कपिल शर्मा शो पे आने का मौका मिल गया। बट सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, मैंने देखा पंजाबी सिंगर में इनके गानों में हॉट लड़कियां नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स कार नहीं होती है, दारू नहीं होती है, मतलब कायदे से देखा जाए तो पंजाबी सिंगिंग के आलोकनाथ बैठे हैं हमारे पास। वकील साहब एक बात बताओ, या आप इतनी फालतू बातें करते हो तो आपको अपने आप को वकील बोलते हुए शर्म नहीं आती? यार शर्मा, नेवर कवर अ जज बाय बुक।
क्या? Never judge cover book by the. दोबारा बोलो क्या? Never do cover book judge by the cover the is the by. Never judge a book by its cover. हाँ तो जो भी है यार, एक जज और वकील के बीच में क्यों गुस्से हुआ? Anyway, यार ये सारी बातें तो होती रहेगी, हमारे साथ केलकर सर भी आए हुए हैं, तो मैं इनसे जरा बात कर लूं। तो यार आपने बाहुबली को आवाज दी, जरा मेरी बेटी को आवाज दे देंगे? सुनती नहीं है यार, यहाँ पर यहाँ पीछे ही रहती है। आपकी आवाज लेकिन माननी पड़ेगी। आप बोलिए, आप बोलिए। ऐसे कैसे बैठूंगा यार? कभी चलो। I'm saying that आपकी आवाज is brilliant, it's very heavy, fit है आपकी, वजन है आवाज में, very good। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आवाज ही अच्छी है, बॉडी अच्छी नहीं, आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, very good, you're very fit। और मुझे कोई शर्म नहीं, आज इन सब के सामने मैं कहता हूँ, you are fitter than me। बस सर, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, बहुत अच्छा। You are, I'm not joking। वकील साहब आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे और कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप? वो मेरी फालतू की बातों के सामने आपने सेलिब्रिटीज बैठाए क्यों? वकील साहब आप घर जाइए, हो गया आपका, बहुत हो गया। घर क्यों जाऊं यार, घर पे क्या अकेलापन काटने को दौड़ता है? पर आपके घर में तो आपकी बीवी दो बच्चे भी हैं। वो तो है, वो मेरा डॉगी है, उसका नाम है अकेलापन, वो काटने को दौड़ता है। सर मैं यहाँ पर आपके फायदे की बात ही करने आया हूँ। उनका क्या फायदा है? मैं बताता हूँ, आई एम ए लॉयर सर, तो मैं पेटेंट भी कराता हूँ। और सर अजय सर, आई हैव सीन, आप अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं ब्यूटीफुली। तो मैं कहता हूँ अपनी आंखों को आप पेटेंट करा दीजिए। मैं अभी अभी वो पंकज त्रिपाठी की गर्दन का करके आया हूँ, नहीं मसाज। मैं वो भी करता हूँ सर, एवर यू नीड डीप टिश्यू आई डू। वो इंटरेस्टेड नहीं है, जाओ आप। मैं तो नोरा जी से बात कर लेता हूँ। नोरा जी, आई सॉ दैट वन सॉन्ग आपका, ओ हो हाय गर्मी, ब्यूटीफुली आपने जो डांस किया है उस पर दिल को छू गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, हैव यू सीन द स्टेप? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप। इतना बोला तो नहीं था मेरा स्टेप। नहीं लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि मैंने तो खाली स्टेप किया, वो स्टेप में ट्रैवल करती हैं सर, वो आगे भी जाती हैं। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अगर मेरी सलाह माने तो आपने ये हाई गर्मी जो टर्म है इसको पेटेंट कर दीजिए। अब क्या होगा, दुनिया में कहीं भी किसी को भी गर्मी लगेगी और कहेगा हाई गर्मी, उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और बैठे बैठे कमाने वाली हिंदुस्तान की आप दूसरी औरत बन जाएंगे। पहली कौन है? वकील साहब हेलो, ये मत किया करो, ये मुंह गिर जाएगा नीचे किस दिन, मैं बता रहा हूँ। आप या तो डांस कर लो या वकालत कर लो। आप उसी चीज को लेके, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, क्या पैशन मेरा दोनों है, वकालत भी डांस भी, क्या करूं? एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं सर। अजय जी, आप इन दोनों हाथों में से एक हाथ चूज कीजिए। That's the Nimura for you, sir. Please enjoy. Thank you very much. मेरा केस का टाइम हो गया। Super. मैं जल्द आता हूँ। All right. Welcome. Thank you. पाजी, आप सब लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स, वीडियोस ये सब डालते रहते हैं। अब आपके पास तो टाइम होता नहीं कि चेक करें क्या क्या कमेंट्स आते हैं, तो हमारे पास एक टीम है, पूरा साल वेली बैठी थी, तो हमने उनको इस काम पे लगाया। उसको सेगमेंट को हमने नाम दिया पोस्ट का पोस्टमार्टम। ये आपने कहीं फोटो डाला था और नीचे कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कमेंट्स देखिए। बीवी से दूर चैन की सांस लेते हुए, ये किसी और ने लिखा पोज, ये तो फोटो के लिए, रुके तो बाथरूम के लिए थे। अच्छा, लोगों की क्रिएटिविटी बड़ी होती है वैसे, आप पढ़ो ना, ये ओरिजिनल कमेंट्स हैं। और
लंगर में पूरी का इंतजार करता हुआ आदमी। ओहो देखो भाई क्रिएटिव कितने लोग, कोरोना में वेले बैठे बैठे घर, नीचे तो किसी ने क्या कमाल कर दिया है। हे मानव, आपकी फोटो देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसे मनोहारी चित्र देख के प्रतीत होता है जैसे मानो चारों ओर बादल छा गए हों, मोर नाचने लग गए हों, कोयल मधुर गीत गाने लग गए हों। हे मानव, आप अलौकिक सुंदरता के मालिक हैं, आपके मुख पर इतना तेज है, जरूर आप कोई महापुरुष के रूप में जन्मे हैं। आप इसी तरह हम मानव को अपने दर्शन देकर धन्य करते रहे, अनंत नैनों को सुख प्रदान करने वाले चित्र। हे मित्र, ये आप कैसे कर लेते हैं? आपका चित्र देख के ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात कोई देव आपके ऊपर विराजमान है। आपके चित्र में तेजस्वी मुख और अकल्पनीय वस्त्र शैली देख के मन अभिभूत हो गया, मेरा मुंह ही टेढ़ा हो गया। इतने बड़े बड़े हे मित्र, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, इस दर्शनाभिलाषी की मनोकामना पूर्ण करें। ये तो बंदा कोई किताब ही लिख के बैठा है पूरी। और भी है हमारे पास। वाओ, अच्छा आप लंगर वाला बेस्ट था ना। मैं आपको 14 साल की उम्र से पसंद करती हूँ, अब मेरी उम्र 35 साल की है। ओह आई लव यू अजय जी भी लिखा है। वाओ ब्यूटीफुल, अच्छे लोग है ये, मतलब कमाल है। और भी है हमारे पास पिक्चर। नोरा, ओह गॉड, लो जी नोरा के नीचे आ रहे क्या अब रणवीर सिंह क्या पहनेगा। अच्छा कोई मेरे जैसा भी बैठा, कहता पूरे 320 डॉट्स हैं। वाह, और भी होंगे। ये पीछे जो चटाई है ऐसी चटाई हमारे घर में भी है। नीचे मजेदार, देखो नीचे, आप कुंवारी रहना आपको मेरी कसम है। वाह, टाउन मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है, मुझे शादी करोगी क्या? आपका सुखराम चौधरी। तो नीचे मजेदार है, कहते मैडम हमें अपने घोड़े का केयर टेकर रख लो, आप तो हमारी रेंज से बाहर है। बंदा जो भी है सच्चा है। कमाल है यार, लिखने वालों का कमाल है। सलवार सूट में फोटो भेजो, मम्मी ने मांगी है, वेस्टर्न नहीं चलेगी। ये सब तो ठीक है, रोटी बना लेती हो क्या? 12 रोटी लगेंगी, 4 मैं खाता हूँ, 4 मेरी माँ, 2 पिताजी। ये तो 10 हुई ना, अच्छा 2 नोरा की जोड़ी होगी। नोरा कितनी होगी? वाह, और भी है। टू फनी यार। तुम्हारी वजह से घोड़ा काला लग रहा है वरना नीला है। ओहो शरद भाई की आई गिली गिली छू, मैं घर में ही हूँ, आप भी घर रहे आशा करता हूँ। भाई घर पे सूट पहन के कौन बैठता है? किसके घर पे हो सच सच बताओ। बात उसने ठीक की, वैसे सूट बूट पहन के घर पे कौन रहता है? नीचे एक और मिलता रहा, अब क्या बल्ब उतारोगे क्या? कुछ भी यार। ध्यान से चैलम सब देख रहा है। क्या मिला श्रीकांत का घर उजाड़ के? अच्छा आगे बढ़ो राक्षस। नेक्स्ट, असली सोना, अजय सोनाक्षी होती तो और मजा आता देख के। ये फोटोग्राफर हॉस्पिटल वालों ने दिया या खुद साथ लेके गई थी? नर्स से कह देना छेनू भी आएगा। दो उंगली की दिखा रही है, ये तो पहला डोज है। अच्छा फैन फैन आपस में भी लड़ते हैं, वो फैन ने किसने रिप्लाई किया है? उसको पता था तू उंगली जरूर करेगा, दूसरी उंगली तेरे लिए है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, कोरोना से लगता है। सोशल मैसेज भी है, 300 रुपए की टोपी मिलती है स्टेशन पर ये। ओहो अहमी विरक, लो जी तेरा बड़ा लिख लो भैया जी, 35 कपड़े हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।